दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सेशन 2019 से 22 है दोस्तों, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा कल 12 सितंबर से आप लोगों का एग्ज़ाम चालू होने वाला है। इसी बीच में पार्ट 3 एग्ज़ाम को लेकर एक अच्छी अपडेट है। जिन छात्रों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाया है, वो छात्र पार्ट 1 का एडमिट कार्ड, पार्ट 2 का एडमिट कार्ड, साथ में पार्ट 3 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हैं उसका स्लिप लेके और आप लोग परीक्षा देने जा सकते हैं। जो भी होगा बाद में इसका सलूशन निकाल दिया जाएगा। ये रही एग्ज़ाम के लेकर अपडेट। अब दोस्तों बीवीआई गेस क्वेश्चन और वायरल क्वेश्चन, ये सभी आपको कैसे फाइंड करना है और कहाँ से मिलेगा, आइए इस वीडियो में बताते हैं। साथ में जिन छात्रों ने अभी तक पार्ट 3 का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो ट्राई कर सकते हैं। आफ्टर यानी कल आपसे आप लोगों का एग्ज़ाम है, और जो स्टूडेंट का अगले डे है तो वो यूनिवर्सिटी जाकर भी ले सकते हैं। यानी कल फिजिक्स वाले स्टूडेंट का और साथ में पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये जो वायरल क्वेश्चन है यानी पेपर नंबर मैं अभी 5 का देने वाला हूँ, पेपर नंबर 5 फिजिक्स वाले स्टूडेंट का और साथ में पेपर नंबर 5 पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट का। तो देख सकते हैं ये आपके सामने बीवीआई गेस क्वेश्चन है, यहाँ पे 23 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसी 23 क्वेश्चन में से आप लोगों का 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन होगा वो आपको कंपलसरी है, वो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, वो ध्यान में रखिएगा। और फिजिक्स वाले में दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए से आपको दो क्वेश्चन का हल करना होगा और ग्रुप बी से दो क्वेश्चन का हल, यानी टोटल मिला के आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट का पेपर नंबर 5 का यहाँ पे बीवीआई गेस क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे भी लगभग 19 क्वेश्चन है, इसी में से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये फाइनली मैं अभी अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया हूँ, तो इसे देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप लोग डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों आपको गूगल पे सर्च करना है खबरी सपाटा, और इसके बाद प्रथम नंबर पे जो वेबसाइट है ना इसको आपको कर लेना है ओपन, क्योंकि यहीं पे आप लोग का बीवीआई गेस क्वेश्चन और जो आप लोग वायरल क्वेश्चन जो खोज रहे हैं वो यहीं पर देखने को मिलेगा। दोस्तों ये फाइनली देख सकते हैं आपके सामने पार्ट 3 बीवीआई गेस क्वेश्चन फ्री डाउनलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। ऐड आएगा तो ऐड को क्लोज कीजिएगा, और क्लोज करते ही नीचे की ओर आपको स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए सभी ऑनर्स पेपर के यहाँ पर बीवीआई गेस क्वेश्चन दिए गए हैं। सिंपली आप लोग को यहाँ पे देखिए डाउनलोड का फर्स्ट लिंक जो दिख रहा है इस पर क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है। जो सेकंड लिंक है ये टेलीग्राम का है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन अगर वायरल होता है तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। वैसे आप बीवीआई गेस क्वेश्चन यहीं से देख लीजिए, इसी में से 80 से 100 नंबर तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट का मैं डाउनलोड करता हूँ, तो ये रहा पॉलिटिकल साइंस वाले का। तो फाइनली उस पर आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है, ये गूगल ड्राइव आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इंटरनेट स्लो है, थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। तो देख लीजिए इसमें पेपर नंबर 5 भी है, 6 भी है, 7 और 8 सारा इसमें दिया गया है। यहाँ पर सेम क्वेश्चन है वही जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, 19 क्वेश्चन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पैटर्न क्या है, देखिए आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जे तक 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, इसका सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर दीजिएगा, और ये फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है ये कंपलसरी है, ये आपको बनाना ही पड़ेगा। इसके बाद टोटल इधर आपको 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें से आपको 4 क्वेश्चन बनाने होंगे। तो इस प्रकार से परीक्षा पैटर्न होगा। तो फाइनली यहाँ पे डाउनलोड का जो लिंक देख रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे जो डाउनलोड का आइकन देख रहे हैं इस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज अनुसार, और यहाँ से भी बीवीआई गेस क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछेंगे इसका आंसर कहाँ मिलेगा, तो इसका आंसर रेखा प्रकाशन के गैस पेपर में मिलेगा, जो कि आपके मार्केट में उपलब्ध है, जाकर बाय भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो मॉर्निंग में आपको दे दिया जाएगा।